हेलो मैकेनिक दोस्तों, आज मेरे पास गैराज में आई हुई है MT-15। यहाँ पे अगर देखें तो इस जगह पे आपको दिखा हुआ लिखा हुआ मिल जाएगा MT-15। और यहाँ पे अगर लोगो देखें तो 3D लोगो में यामहा का शाइन आपको यहाँ पे बना हुआ मिलेगा। और गाड़ी जो है हमारी 5000 किलोमीटर भी रन नहीं हुई है, और गाड़ी में आ गया एक बहुत ही बड़ा सा प्रॉब्लम, इसके क्लच में प्रॉब्लम आ गया है। गाड़ी क्लच काम नहीं कर रही है। चलिए सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और कहाँ से है प्रॉब्लम, BS6 की यह गाड़ी है, कैसे प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट और सोल्यूशन निकालेंगे, कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक प्रोसेस के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले अगर इसकी इग्निशन को ऑन करके आपको दिखाया जाए तो यहाँ पे इसके ओडो किलोमीटर को अगर आप देखेंगे तो गाड़ी हमारी 5000 किलोमीटर तक भी नहीं चली हुई है। यहाँ पे अगर देखें तो ओडो किलोमीटर पे यहाँ पे शाइनिंग आपको दिख रहा होगा 3936 किलोमीटर। और अगर क्लच की बात किया जाए तो पूरी तरह से यहाँ पे भी एडजस्टमेंट कर दिए हैं, और क्लच की पूरी तरह से यहाँ से भी एडजस्टमेंट कर दिए हैं, फिर भी क्या हो रही है कि हमारी गाड़ी का क्लच नहीं काम कर रहा। जैसे हम गियर को प्रेस कर रहे हैं गाड़ी ऑटोमेटिकली आगे को चली जा रही है, और क्लच भी पूरी तरह से प्ले हो चुका है, ये देखें पूरी तरह से प्ले। तो इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम है इसके क्लच साइड से है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, क्योंकि यह एक BS6 की बाइक है। फर्स्ट टाइम आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि BS6 के MT-15 में क्लच साइड क्या क्या रिप्लेसमेंट किया गया है, कहाँ से है एक्चुअल प्रॉब्लम, A to Z चीज़ों के बारे में बताएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक प्रोसेस बताते हैं MT-15 का क्या है क्लच में प्रॉब्लम जो इस तरह से इरिटेटिंग प्रॉब्लम कर रही है हमारी गाड़ी। तो मैकेनिक दोस्तों, चलिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कंप्लीट सारे पोर्शन को ओपन करते हैं। तो इसके जितने भी 8mm के बोल्ट हैं सारे बोल्ट को ओपन कर ले रहे हैं और आपको बताएंगे एंड में इसका प्रॉब्लम है कहाँ से और क्यों इस तरह से गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम कर रही है गाड़ी, गाड़ी में जो क्लच काम नहीं कर रहा है। तो चलिए सारे बोल्ट को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद आपको दिखाते हैं कि BS6 की इस बाइक में क्या हो गया है प्रॉब्लम। तो सारे बोल्ट ओपन करने के साथ साथ यहाँ पे O2 सेंसर का भी क्लैंप लगा होता है इस साइड पे, तो इस सारे चीज़ों को ओपन कर लें। उसके बाद एक यहाँ पे इसके ऑयल फिल्टर का जो बोल्ट होता है इसे ओपन करना पड़ेगा, फिर कंप्लीट हमारा क्लच कवर बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद आपको दिखाते हैं कहाँ से इसका एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। तो देख पा रहे हैं इस तरह से एक लॉन्ग बोल्ट होता है। अब चलिए सारे चीज़ों को ओपन कर लेते हैं। तो देख पा रहे हैं इसके क्लच कवर को हम पूरी तरह से ओपन कर दिए हैं, और यहाँ से अगर देखा जाए तो कुछ इस टाइप से इसका डिजाइनिंग और फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगा। ये इसका कंप्लीट क्लच वाला एरिया है, और इसके ऊपर भी गैस्केट आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ से कंप्लीट इसकी ऑयल की सप्लाई होती है, और ये इसका कंप्लीट मैकेनिज्म है इंजन का। अब बात कर लिया जाए प्रॉब्लम के बारे में, तो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को साइड कर लेते ताकि आप लोग को डिटेल में समझा सके, क्योंकि MT-15 है और इसके बारे में आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। तो अगर देखा जाए तो मेन जो इसके अंदर प्रॉब्लम है, इस वाले यहाँ से जो क्लच पुशर लगा हुआ है इसी के अंदर प्रॉब्लम है। और क्लच असेंबली और इसकी डिजाइन की अगर बात किया जाए तो R15 से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। तो चलिए सबसे पहले आपको प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं कहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम जो हमारी गाड़ी क्लच काम नहीं कर रही है। तो जब भी आपके पास इस तरह से क्लच का प्रॉब्लम आता है तो सिर्फ एक ही जगह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वो जगह है यहाँ पे। इस 10mm के बोल्ट को हम थोड़ा सा लूज करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा लूज कर दिए। अब यहाँ पे क्या है कि एक हम फोरहेड स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको एडजस्टेबल अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ताकि हमारा क्लच जो है प्रॉपर तरीके से काम कर सके। और इसको क्लच को एडजस्टमेंट करने से पहले आपको हम बता देते हैं क्या क्या स्टेप करना पड़ता है। तो मैकेनिक दोस्तों देख पा रहे हैं इसकी एडजस्टेबल जो यहाँ से होता है, इस नट को मैंने पूरी तरह से टाइट कर दिया है, और यहीं से एंड टाइम में आपको ओपन करके एडजस्टेबल करना पड़ेगा, ताकि आपका जो गियर शिफ्टिंग और क्लच का इशू है वो प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो जाए। अब आपको क्लच प्रेस करके दिखाते हैं इसका क्लच प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। प्रेस कर सर, ये देखिए प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर रहा। अब चलिए सारे क्लच वगैरह को लगा देते हैं, फिर आपको हम दिखाएंगे गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम भी नहीं होगा, हमारी गाड़ी प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी। सिर्फ यहाँ पे एक स्क्रू दिया होता है, ये 10mm का नट है, इसी से आप एडजस्टेबल कर सकते हैं। कचरा थोड़ा साफ कर दे। तो मैकेनिक दोस्तों इसके सारे बोल्ट को टाइट कर चुके हैं एंड में। अब इसके अंदर जो इंजन ऑयल था बस वही इंजन ऑयल इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी में सिर्फ छोटा सा एक प्रॉब्लम था, एक एरर आ गया था इसके अंदर जो क्लच एडजस्टमेंट का। अब उसको प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर दें, डायरेक्ट इसके अंदर ऑयल फिलअप करते हैं और गाड़ी को रन करके आपको दिखाते हैं, एकदम परफेक्टली तरीके से रन होगी। और जब भी आपके पास इस तरह से प्रॉब्लम आता है तो आपको घबराना नहीं, फुल इंजन ओपन करने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ के सिर्फ क्लच साइड ओपन करें और उस नट को एडजस्टमेंट करने के बाद आप सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब चलिए इंजन ऑयल ऐड करते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो आप इसके यहाँ पे जो बैली कवर है इसके 2 बोल्ट LK के हैं, इसको भी टाइट कर देते हैं ताकि एकदम फिनिशिंग प्रॉपर तरीके हो जाए। इस तरह से 4mm के LK बोल्ट होते हैं,
तो इसको भी मैकेनिक दोस्तों सारी चीज़ों को फिटिंग कर दिए हैं, गाड़ी हमारी स्टार्ट कंडीशन में, आप गाड़ी को हम टेस्ट ड्राइव लेके दिखाते हैं। देखिए प्रॉपर तरीके से सारा प्रॉब्लम का सलूशन निकल गया। अब देखे इसके क्लच भी प्रॉपर तरीके से हो गया। तो मैकेनिक दोस्तों बाइक पूरी तरह से वॉशिंग होकर रेडी हो चुकी है, और इसके बारे में अगर एक एक वीडियो अगर चाहिए कि आरआर यूनिट यहाँ पे अगर देखे तो असेंबल है, या फिर इस जगह पे O2 सेंसर लगा हुआ, या फिर किसी भी रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसकी इंजन की अगर भाई ज़्यादा डिटेल में नहीं बना सके वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम था, और इसके क्लच के अंदर सिर्फ क्लच 3 प्लेट लगे हुए हैं इसके अंदर, तो उन सारी चीज़ों के बारे में अगर डिटेल में वीडियो चाहिए हो, या फिर OBD कैसे कनेक्ट होता है, या फिर और अदर चीज़ों के बारे में, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि कैसे सारा चीज़ें वर्क करता है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, क्योंकि मेरा जो मोटिव था इस वीडियो में सिर्फ क्लच प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। MT50 में अगर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।